गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे योर नेक्स्ट क्लास फॉर द मैथमेटिक्स। बेटा मैं जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा था उसमें आप लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स में मैंने आपको हिगोज फार्मूला और उसके सारे न्यूमेरिकल, किस तरीके से हिगोज फार्मूला अप्लाई होता है और कैसे उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है वो नेहरू पब्लिक स्कूल की साइट पर जाकर उस वीडियो को देख लें। अब मैं नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, हिंदी में इसको कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है अगर तो वो लोग अपना लिख लें यहाँ से। सरफेस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वॉल्यूम को क्या कहते हैं, आयतन। तो क्षेत्र का नाम हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब देखो मैं इस चैप्टर को हमें किस तरीके से पढ़ना है। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है घनाभ, इसके बाद पढ़ना है घन, इसके बाद पढ़ना है बेलन, बेलन के बाद पढ़ना है शंकु। चार हमको ऐसे ज्योमेट्रिकल बॉडीज को पढ़ना है जिनके हमें क्षेत्रफल निकालना, आयतन निकालना, विकर्ण निकालना, इस तरीके से कई सारी चीजें होंगी जो क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित होंगी। अब हम लोग एक चीज ये देखते हैं कि जब हम घनाभ को पढ़ने जाते हैं तो सर घनाभ है क्या। पहले मेरे दिमाग में एक चीज क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द क्यूबाइड, घनाभ है क्या। तो देखो घनाभ एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है, त्रिविमीय मतलब जिसकी तीन विमा हो, और विमा मतलब होता है भुजाएं, जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और उसकी ऊंचाई भी हो। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, अगर मैं ईंट की बात करूँ तो ये जो आपकी ईंट होती है या संदूक देखी होगी या माचिस का डिब्बा देखा होगा, ये सभी घनाभ होते हैं। इस आकृति को ही हम घनाभ बोलते हैं। जैसे हमारा कमरा जो होता है लगभग कमरे कैसे होते हैं घनाभ के आकार के, और घनाभ को अंग्रेजी क्या कहते हैं, क्यूबाइड। अब देखो तुम बोलोगे सर क्यूबाइड तो मैं समझ गया, इसका मतलब ये कैसी होगी, त्रिविमीय होगी। त्रिविमीय मतलब इसकी तीन भुजाएं होंगी। कैसे देखो, एक इसकी ये भुजा हो गई लंबाई, एक इसकी ये वाली भुजा हो गई चौड़ाई, और एक इसकी ये वाली भुजा क्या हो गई, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखो इसके अलावा इसमें और तो भुजा नहीं है कोई। तो इस आकृति को हमको पढ़ना है। देखो जरा क्यूबाइड की बात करें, सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा क्यूबाइड में कोरें कितनी होती है। बहुत ही आपका कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कोरें कितनी होती है। कोर मींस बेटा यहाँ पे होता है एज, EDGE, इसको कोर को एज कहा जाता है, फलक को फेस कहा जाता है, और शीर्ष को जानते हो ही कॉर्नर होते हैं। तो देखो इसके सबसे पहले एजेस कितनी होती है। एज मतलब क्या होता है, किनारे या कोरे। तो हम गिन लेते हैं, हमें मान लीजिए भूल गए एग्जाम में, हम तुरंत माचिस पे दिमाग लगाएंगे या ईंट पे, ब्रिक पे, और हम ना गिन लेंगे। देखो एक, ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन और चार, इसका मतलब सर कोरे अगर देखी जाए तो एक दो तीन और चार हो गई एक इस पे, और चार जैसी ये होंगी ऐसी इधर होंगी। तो चार के बाद पांच, देखना पांच छ सात आठ, आठ ये हो गई। अब तुम समझ गए कि सर आठ के बाद और क्या बचा, इधर आओ जरा, आठ के बाद ये तो गिन गई थी, ये भी गिन गई थी, नौ दस इधर आएंगे वही 11 12। तो इस तरीके से क्यूबाइड में कोरे कितनी होती है, 12। फिर देख लो एक दो तीन चार, ठीक, पांच छ सात आठ, इसके बाद इधर आ जाओ 9 और 10, ठीक, और इधर आ जाओ फिर 11 और 12। या ऐसे कह दो कि सर आपकी जब एक दो तीन चार इधर है और चार नीचे हो गई, ठीक, आठ हो गई, अब आठ के बाद इधर कौन बची, 9 10 11 12। इस तरीके से कोरें कितनी होती हैं इसमें, 12। जितनी कोरें हमारी घनाभ में होती हैं वही घन में होती हैं, ठीक। अभी मैं बताऊंगा उसमें अंतर क्या है। फलक जो हमारा है, फलक आप देखते हैं, फलक मतलब होता है फेस, फेस मतलब इस सतह कितनी, एक, इसके बाद जस्ट इसके अपोजिट वाली 2, ठीक, इसके बाद 3
और तीन के बाद इसके जस्ट उल्टा उधर, चार, चार के बाद इधर आएंगे तो पांच, पांच के बाद इधर आएंगे तो छह। इस तरीके से फलक कितने होते हैं? छह। आया ऐसे गिन लो, एक ये उल्टा साइड वाला, दो, दूसरा ये एक उल्टा साइड वाला, चार हो गए, एक ये वाला एक उल्टा साइड वाला, कितने हो गए? छह। इस तरीके से फलक कितने होते हैं? छह। अब बात करते हैं शीर्ष की। शीर्ष देखो कितने होते हैं, शीर्ष में क्या होता है, हमको गिनने होते हैं कोने। कोने देखो बेटा, इसके बहुत इजी है, कोने आपको कितने हैं, तो इसमें देख लो, एक ये कोना हो गया, दो, तीन, चार, चार कोने तो ये हो गए, ठीक। अब चार कोने के बाद जस्ट अपोजिट इधर कितने होंगे? पांच, छह, सात और आठ। तो शीर्ष कितने हो गए? आठ। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा क्यूबॉइड। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अब क्यूब की, थोड़ी देर के लिए मैं आकृतियां समझाऊं पहले। क्यूब बेटा क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई, फिर देखो लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएं, उसे कहा जाता है क्यूब। जैसे आपने देखा होगा, यदि आप खेलते होंगे लूडो, लूडो में जो पासा होता है वो क्यूब के आकार का होता है, उसमें लिखा रहता है 1.2.3, आप लोग बोलते हैं पाव आ गया, सिक्स आ गया, फोर आ गया, तो वो क्या होता है? क्यूब। इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों कैसी होती हैं? बराबर, और कोई भी अंतर इसमें नहीं होता। जैसी 3D ये है वैसी 3D ये है, इसमें बस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का मान बराबर होता है। वैसी कोरे 12 होंगे, एजेस फेस हमारे 6 होंगे, कॉर्नर हमारे कितने होंगे? 8, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये सब घनाभ के अंदर हमें पढ़ना है। तो घनाभ में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। घनाभ का जब कभी संपूर्ण पृष्ठ निकालना, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, और जब क्षेत्रफल निकालोगे, देखना जरा इस चीज को ध्यान से समझो, इसका तो सारे फेस का क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो जब इधर से तुम देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? केवल आयत, और आयत में क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एक फेस का क्षेत्रफल तो ये हो गया, और इधर भी उसके जस्ट वही क्षेत्रफल ये होगा। फिर देखो जितना क्षेत्रफल ये है उतना क्षेत्रफल ये होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो आप कहोगे सर लंबाई बता दो, चौड़ाई बता दो, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल पढ़े लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एल इंटू बी, वही मैंने यहाँ किया होगा, टू एल इंटू बी, टू मतलब एक इधर वाला और एक इधर वाला, सेम चीज इधर होती है। बी इंटू एच करोगे तो बी इंटू एच ये और एक बी इंटू एच ये, तो हमने देखो टू बी एच कर दिया। और फिर क्या करोगे? एच एल, एच एल का मतलब एक तो तुम्हारा यल हो गया, एक एच हो गया, मतलब इसका क्षेत्रफल, एक इसका क्षेत्रफल, ये तो यल था, ये क्या था? एच। तो एच इंटू एल, एक ये और एक इधर वाला। इस तरीके से हमारे एच इंटू एल भी दो हो गए, तो मैंने सीधे सीधे इसमें लिख दिया है इसका क्षेत्रफल टू इंटू एल बी बी एच और एच एल। उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आई होगी। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख जा रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया में टू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है जो ऊपर लगा है। अब देखो अगर हम यही बात करते हैं यहाँ पे आयतन की, तो आयतन में देखो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो उसमें थ्री डायमेंशनल बॉडी होनी चाहिए और तीनों भुजाओं का गुणा कर दो, तो हमारा निकल आएगा वो आयतन। अब आते हैं विकर्ण। अब विकर्ण के लिए हमें इस आकृति को समझना पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे सर हम घनाभ बना नहीं पाते हैं। देखो घनाभ कैसे बनाया जाता है, जब कभी घनाभ बनाना तो ऐसे एक आयत बना लेना और फिर एक ऐसे आयत बना लेना, इनको इस तरीके से मिला देना, ये आपका बन जाएगा घनाभ। वही यहाँ लिखा है, देखो जरा इसको, जब हम लोगों ने क्या किया, इस भुजा को ए भी लिख दिया, तो अब हमने यहाँ पे देखो किया क्या, इसके ऊपर वाले को ए डैश, इसके ऊपर वाले को बी डैश, यहाँ मैंने सी और डी लिखा है, तो सी के ऊपर वाले को सी डैश और डी के ऊपर वाले को डी डैश। समझने का प्रयास करिए। अब इसमें जरा देखते हैं, वही सब कुछ लिखा है, इस ए डी को हमने एल मान लिया है, ए डी को बी मान लिया है और डी डी डैश को एच मान लिया है, तीनों भुजाएं मैंने लिख ली। विकर्ण में देखो मैंने क्या लिखा, त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, हमको पता है कि सर ये ए बी डी त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज,
क्योंकि ध्यान रखना इसके सभी कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और 90 डिग्री वाले जब कभी त्रिभुज बनते हैं तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय। त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए डी स्क्वायर। देखो मैंने लिखा है बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए बी का मान एल है और ए डी का मान बी है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर निकल आया। अब हमको क्या निकालना है, बी डी डैश, क्योंकि हमको विकर्ण चाहिए, और विकर्ण इसका ये होता है, विकर्ण का मतलब होता है फर्स्ट फेस से सबसे लास्ट वाला फेस। अब देखो बी डी डैश से विकर्ण निकालेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, बी डी डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखना जरा, बी डी स्क्वायर और प्लस डी डी डैश स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर का मान लिख चुके हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बचा डी डी डैश, डी डी डैश ये क्या है, एच, वो मैंने कर दिया एच स्क्वायर। अब हमारा विकर्ण में वही हमने जो वैल्यू थी उसको लगा दिया, स्क्वायर हटेगा, इस तरीके से हमारा घनाभ का विकर्ण निकल आया। चलते हैं इधर जरा घन की ओर, घन में देखना कोरे वही फलक, कोर मीन्स एज होता है, अगर किसी को यहाँ इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो वो ई डी जी ई लिख सकता है, इसको फेस लिख सकता है, इसको कॉर्नर लिख सकता है। संपूर्ण प्रश्न में देखो बेटा कुछ भी नहीं सीखना, हमको ये देखना संपूर्ण प्रश्न का मतलब एल बराबर बी बराबर एच हमको पता है ए बुझाएं, और जो ये सूत्र है उसी में केवल तीनों भुजाएं की जगह ए रख देना और कुछ भी दिमाग में लगाना है। तो 2 × LB × BH × HL लिखा था जैसे मैंने बताया अभी, दो दो फेस होते हैं चारों तरफ, तो सबकी जगह ए रख दो, तो ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, फिर इसकी जगह ए रखोगे ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 3A² 3 × 2 कितना होता है 6, 3 × 6 तो ये हमारे जो संपूर्ण प्रश्न होगा घन का वो कितना हो जाएगा 3 × 6 6A², या इसको लिखा जाता है 6 × भुजा² या साइड का होल स्क्वायर। आयतन में आओगे LBH होता है सबका, ए ए ए हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा, तो घन का आयतन क्या, अगर कोई पूछेगा तो कहेंगे सर घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात t या साइड की पावर 3। विकर्ण बराबर √L² + B² जैसा लगा बिल्कुल वैसे लगाना है जो था, बस सबकी जगह क्या रख देना ए a² अंडर रूट में क्या हो गया 3a² a स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा a और अंडर रूट 3 लिखा रहेगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं 3 का, तो विकर्ण बराबर भुजा √3। तो आपको फार्मूले मेनली ये याद करने हैं, ये बात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का आयतन और घन का विकर्ण डायगोनल, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। अब मैंने आपको प्रूफ करना बताया, एग्जाम में कोई प्रूफ करने को बेटा तुम्हारे नहीं आएगा, तुम्हारे में केवल सूत्र आएंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, घनाभ का आयतन बताओ, घनाभ का विकर्ण बताओ, या घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, घन का आयतन बताओ, घन का विकर्ण बताओ, तो ये आपको सूत्र याद करने हैं। मैंने आपको लिखना भी सिखा दिया है कि कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।